मान लो ये स्फीयर है ना, ये सेंटर यहाँ पे कोई, ये रेडियस आर है इसकी और ये एंगल थीटा है ना। कौन का क्या है, ये वर्टेक्स वाला एंगल, और ये सॉलिड एंगल कितना है, ओमेगा। तो हमें ओमेगा और थीटा में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब हम जानते हैं ओमेगा होगा क्या, बाय डेफिनेशन ओमेगा होगा एस बाई आर स्क्वायर, और एस किस चीज़ का एरिया है, ये वाला एरिया है ना, ये जो है इतना सरफेस है, पूरा नहीं एरिया ना, ये तो बस अपन ने डायग्राम बनाने के बताया कि वो स्फेरिकल पार्ट ही, ये तो है ही नहीं असलियत में, सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं है, ठीक। तो एस बाई आर स्क्वायर है, तो अगर मैं किसी तरह से एस इसका सरफेस एरिया, ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, स्फेरिकल है ना सरफेस, इसका सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लूँ तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं अपन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो फिर तो इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं भाई, यहाँ से कोई मान लेते हैं कोई फाई एंगल, विड्थ कितनी है डी फाई, ठीक है। तो ये फाई एंगल पे हमारा, ये तुमने एक रिंग मानी जिसकी विड्थ कितनी है डी फाई, इस पर एक रिंग मान ली सरफेस में ना, तो इसकी ये विड्थ हो जाएगी आर डी फाई, आ रहा है समझ में, विड्थ आर डी फाई हो गई इस रिंग की, और रेडियस क्या हो गई इस रिंग की, कितनी रेडियस है इस रिंग की, आर साइन फाई, गधे हो गए तुम लोग यार, बिल्कुल आर है ये, आर कॉस फाई होगा या आर साइन फाई होगा, ठीक। तो इस छोटे से जो रिंग है डी एस, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, मतलब डी एस है, तो डी एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू पाई आर साइन फाई इंटू विड्थ आर डी फाई, तो यही तो करते हैं यार, सरकमफेरेंस इंटू विड्थ कर दिया तो एरिया मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा क्या, तो डी एस तुम्हारा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई। अब तुम्हें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा पे जाऊंगा तो पूरा आ जाएगा सरफेस एरिया, तो ये आ गया तुम्हारा नेट एरिया 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस फाई, माइनस बाहर निकाल लेते, जीरो से थीटा, तो सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो, हमको पता है ओमेगा क्या है, एस वाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा आ गया तुम्हारा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने सॉलिड एंगल और प्लेनर एंगल में रिलेशन निकाल लिया, बहुत ही आसान था। हाँ, कुछ डाउट है इसमें, तब से इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखो, हमने एक क्वेश्चन करा था, एक डिस्क रखी हुई थी, उसकी रेडियस है ए, और इस डिस्क से कुछ दूरी पे मैंने एक चार्ज रख दिया था प्लस क्यू, तो ये कितने पर रखा था मान लेते हैं, कुछ एक्स डिस्टेंस पर रख दिया था, तो ताकि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उस समय हमने इंटीग्रेशन से सॉल्व करा था ना, अब इसी को सॉल्व करो यूजिंग गॉस लॉ एंड सॉलिड एंगल, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क यूजिंग गॉस लॉ एंड सॉलिड एंगल। देखो कैसे करेंगे, स्पेस से ये जो लाइन है कितना एंगल बनाएगी, से थीटा एंगल बना रही है ना, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स वाई रूट ऑफ, तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर तुम ये कॉनिकल सरफेस देखो
तो इसका सॉलिड एंगल ओमेगा होगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल पता चल गया है ना, जो इससे डिस्क के थ्रू है। अब सोचो एक एनक्लोज्ड सरफेस होता है, मान लो ऐसा कोई एनक्लोज सरफेस मान लेते हैं है ना, ऐसा कुछ भी मान लो एनक्लोज सरफेस ना, इस पूरे के पूरे सरफेस से फ्लक्स कितना होता है ना, ये पूरा क्लोज्ड सरफेस मतलब कितना सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो वही यूनिटरी मेथड, 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितने सॉलिड एंगल से पास हो रही है 4 पाई सॉलिड एंगल से है ना। और पता है फ्लक्स पूरे के पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर डायरेक्शन में है ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता भाई, ये तो चार्ज है ना, तो हर डायरेक्शन में बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 4 पाई स्टे रेडियन में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, तो 1 स्टे रेडियन में कितना होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें कितने स्टे रेडियन में निकालना है, हमें ओमेगा सॉलिड एंगल में निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू ओमेगा सॉलिड एंगल कितना होगा ओमेगा इंटू ओमेगा बाई 4 पाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा आंसर है। ये क्या है, फ्लक्स थ्रू द डिस्क जो इस सॉलिड एंगल में से पास होगा निकलेगा वही तो इसमें से जाएगा, इस डिस्क के थ्रू निकलेगा वही। तो कितना आ गया अपना आंसर भाई, फाई इक्वल टू ओमेगा बाय 4 पाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वही हो गया अपना, ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो आ गया तुम्हारा ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वही आ जाएगा, लास्ट टाइम भी देखो यही आया होगा ठीक है। तो तुमने ई इंटू एस कर दिया सीधा सीधा है और एस दिखा दिया ठीक है, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है, ई इंटू एस और इसका सरफेस एरिया लिख दिया होगा ओमेगा आर स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है सही है, पर ये गॉस लॉ नहीं हुआ ना, गॉस लॉ नहीं हुआ ना ये, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे तो है ना डायरेक्टली ठीक है सही है, पर वो भी सही है, ये आ गया क्या समझ में। अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा वहाँ पे तो स्फेरिकल सरफेस था यहाँ पे डिस्क है, वो तो स्फेरिकल सरफेस था ये तो फ्लैट सरफेस है, देखो फर्क नहीं पड़ता है ना, अब यहाँ पे तुम ऐसे स्फेरिकल सरफेस बना लो या इस तरह का कोई सरफेस बना लो या ऐसा सरफेस बना लो, कोई भी सरफेस बनाओ इतने सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स निकल रहा है, समझ में आ रहा है क्या, जो फ्लक्स है वो एंगल सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी सरफेस एरिया इस सॉलिड एंगल के एनकाउंटर करेगा उसमें से इतना ही फ्लक्स पास होगा, फर्क नहीं पड़ता फिर वो कि फ्लैट है या नहीं है, क्लियर क्या। इमेजिन करो कोई चीज़ निकल रही है बाहर रेडियली आउटवर्ड, सोचो ऐसा है ना। चलो एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉलिड एंगल पे, चलो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं सॉलिड एंगल पे, मान लो ये पानी है ना, पानी के अंदर बल्ब जला दिया, इसकी पावर है 100 वॉट, इसका म्यू ले लो 5/3, एयर का म्यू 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर, फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर एग्जिटिंग द वाटर सरफेस, एग्जिटिंग द वाटर सरफेस, कितनी लाइट की पावर पानी से बाहर निकल जाएगी, अगर ये 100 वोल्ट पावर छोड़ रहा है तो पानी से कितनी बार निकलेगी, क्या सारी निकल जाएगी, क्यों नहीं निकलेगी सारी, TIR हो जाएगा, करो फिर जल्दी से। चलो देखो भाई लाइट ऐसे जा रही होगी, ये तो सीधे बाहर निकल जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसे बाहर जा रही होगी कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब ऐसे तो नहीं जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी, इस तरह से बाहर जा रही होगी ना, फिर एक ऐसा एंगल आएगा जिस पर लाइट बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं थीटा सी, अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी होगा, इसलिए मैं कह रहा था फ़र्क नहीं पड़ता ना, उस एंगल पर डिपेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा भाई म्यू साइन थीटा सी, इसने आंसर लगा देते हैं इक्वल टू म्यू 1 साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू 2 साइन 90 डिग्री, तो म्यू कितना है भाई इसका 5/3 साइन थीटा सी इक्वल टू 1, तो साइन थीटा सी 3/5, थीटा सी कितना आ गया
37 डिग्री। तो इसके थ्रू ये जो कोन बन रहा है ये कितना सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल कितना है निकाल लेते हैं। तो ओमेगा सॉलिड एंगल है भाई, ओमेगा कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 37 डिग्री। तो सॉलिड एंगल आ गया अपना 2 पाई इंटू कितना होता है ये 4/5 1/5 क्या बात कर रहे हो, ठीक है तो 2π/5 आ गया ना सॉलिड एंगल तुम्हारा। तो बस ख़त्म क्वेश्चन। अब बताओ भाई 4π सॉलिड एंगल में कितनी पावर, 100 वॉट। 1 यूनिट सॉलिड एंगल में कितनी पावर, 100/4π। अपन को कितने सॉलिड एंगल में चाहिए ओमेगा, ये हमारा आंसर है। तो कितना आ जाएगा ओमेगा बाई 4π। याद रखना ऐसा तभी लिख सकते हैं जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओमेगा बाई 4π इंटू 100, ये क्या है पावर एग्जिट, जितनी पावर बाहर निकल रही है। तो कितनी आ गया भैया अपना आंसर आ गया पावर एग्जिटेड, ओमेगा कितना है 2π/5 है ना, तो 1/10 हो गया ये 1/10 100। तो 10 वॉट पावर एग्जिट करेगी ना, और इसको हमने माना यूनिफॉर्म माना है सोर्स को ना, हर डायरेक्शन फेंक रहा है देख लो। तो सॉलिड एंगल का बहुत काम है ना, मतलब सीधा सा उस सॉलिड एंगल उसका अब तुम समझने लगोगे, मतलब वो जब स्फेरिकली स्प्रेड कर रहा है तो कितने कोन का पार्ट है ना।